तो चलें चलते हैं हम आपको एमएनकी का जो सर्विस सेंटर है। मैं आप सब दोस्तों को फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा मूसानी 110 यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप सबसे शेयर करते रहें। अब 6 कंपनियों के मोबाइल आप यहां से आकर रिपेयर करवा सकते हैं, सुबह 11 से शाम 7 बजे तक फ्राइडे ऑफ होता है। तो तमाम व्यूअर्स को यही कहेंगे, अब आपके मोबाइल ख़राब हो जाए तो दुकानदार को डिस्टर्ब ना किया करें, उसको जस्ट बोला करें बिल बना के दे, सिस्टम लगाए, यहाँ से सर्विस सेंटर बनवा सके। चलो चलते हैं इंशाल्लाह। जैसा कि आपको मालूम होगा, हैदराबाद में तमाम कंपनियों का सर्विस सेंटर जो है उसकी ऑफिशियल हम फ्रेंचाइज पे आए हैं। काफ़ी कस्टमर्स, काफ़ी व्यूअर्स और पूछते हैं कि हमें यार मोबाइल बनवाना है, इसका सर्विस सेंटर कहाँ पे, कहाँ जाए, दुकान वालों को जाके तंग करते हैं, पूछते हैं कि इसका सर्विस सेंटर कहाँ है, आप हमें मोबाइल बना के दो। जस्ट आपको ये प्रायोरिटी होगी कि आप जिस दुकान से भी मोबाइल परचेज करें ना, उससे बिल और डेट लाजमी और स्टैम्प लगा के मोबाइल वहाँ से लिया करें, ताकि जब भी कोई इशू आए कंप्लेंट में तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एमएनपी के सर्विस सेंटर पे आ सकते हैं। इसमें हम आपको दिखा सकते हैं कि आईटेल का मोबाइल यहाँ पे सर्विस सेंटर होता है, यहाँ पे इसकी रिपेयरिंग होती है, रिप्लेसमेंट होती है, अंडर टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। इन्फिनिक्स के मोबाइल होते हैं रिपेयर, टेक्नो के, नोकिया के, सैमसंग के और रेडमी और तमाम 6 कंपनियाँ इनके पास रिपेयर होते हैं मोबाइल। इनकी मंडे टू संडे टाइमिंग होती है, सिर्फ फ्राइडे ऑफ होता है, सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक इनकी ऑफिस खुली होती है। कोशिश करके आप दिन में आया करें, क्योंकि रश कम होता है, ट्रैफिक भी हैदराबाद में बड़ी होती है चांदनी मार्केट में। तो मैं आप सबको बोलूँगा एंड द एंड कि हमारे यूट्यूब का चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, मूसानी 110। तो हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें और तब तक हमारे चैनल को लाइक करें। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक आप अपने दोस्त ज़ीशान अली मूसानी और कैमरा मैन मुइज़ अली के साथ सबको दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।